नमस्कार मित्रों, मैं राजेंद्र पटेल आप सभी का अपने पार्थ एजुकेशन परिवार में स्वागत। जैसा कि आप लोग को हम देख रहे हैं कि हमसे कुछ लोग जुड़ भी चुके हैं, जिनमें रुद्र निषाद जी, अर्चना प्रजापति जी, साधना देवी जी, कुसुम यादव जी, आर्ट एंड ड्राइंग जी, अंचल जी, रिया पटेल जी, नीरज शर्मा जी, मनोज पाल जी, अमरनाथ जी, अजय कुमार जी, आप सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। चलिए, आज जैसा कि आप लोग की मांग थी कि सर यूरोपीय कला या बबका सिंह भी जुड़ चुके हैं, वीरेंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं, सुधा यादव भी जुड़ चुकी हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके इसी कामनाओं के साथ आप लोगों की इच्छा के अनुसार भी सर शैलियों को ही समाप्त कर दिया जाए और यूरोपीय कला को शुरू किया जाए या पाश्चात्य कला को शुरू किया जाए। तो आज हमने सोचा कि आप लोग को आज सीधे पाश्चात्य कला से जोड़ते हैं, जहां से आपको लगता है कि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया है। और हम अपने सभी जितने भी हमारे नए प्रतियोगी हैं, जितने भी हमारे लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, अभी हाल में जुड़े हैं, हम उनके लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे ए टू जेड जितने भी क्लासेस हैं, जितनी भी क्लास हमने किया, सभी आपके टेलीग्राम पे मौजूद हैं। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हम अभी जुड़े हैं, अभी हम शुरू कर रहे हैं। आपको अगर टेलीग्राम लिंक पे जोड़ दिया गया है, अर्थात आपको पूरी क्लास वहां पे दे दी गई है, सारी क्लास के वीडियोज आपके सामने आपके लिंक पर मौजूद हैं। आप एक ही समय में, जितना समय बचा हुआ है, 30 दिन 40 दिन का समय बचा हुआ है, उस 30-40 दिन में पूरी की पूरे दिन की क्लासेस कर सकती हैं। अभी मई से हमने जब शुरू रिवाइज किया था, तो रिवाइज के भी पूरे क्लास आपके पड़े हैं और मई के पहले के भी जितने भी क्लासेस हैं वो सब आपके टेलीग्राम लिंक पर रखे गए हैं, सेव किए गए हैं। आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और कम से कम समय में अपनी तैयारी को जारी कर सकते हैं। एक चीज़ आपको और हम बता दें भाई, जुलाई में विद्यालय खुल जाते हैं, हमारा कॉलेज भी जुलाई में खुल जाएगा। और फर्स्ट वीक ऐसा वीक होता है कि आपको कॉलेज जाना ही जाना होता है। फर्स्ट वीक ऐसा वीक होता है सेक्शन का कि आपको कॉलेज जाना ही होता है, जिसको हम ध्यान में रखते हुए आज तो नहीं, कल से जब तक हम इलाहाबाद अभी इस महीने में रहेंगे, आपको 2 घंटे की क्लास हमने कर दिया है। तो आपकी जो संडे को छुट्टी हुआ करती थी वह छुट्टी भी नहीं होगी, अर्थात आपकी कल भी क्लास होगी। और अब मान लीजिए कि 30 तारीख के पहले हमको कॉलेज जाने से पहले जितनी भी क्लासेज होंगी वो आपकी 2 घंटे की क्लासेज होंगी, अर्थात जो उधर एक सप्ताह क्लास या तक बंद रहेगी, हम क्लास नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ हम आपको मैनेज करने के लिए आपके क्लास का टाइम बढ़ा दिया है, 2 घंटे कर दिया है। उसके बाद आपको जब भी बीच में हम आएंगे तो आपको उसी बीच में टेस्ट होते रहेंगे और एक आध हफ्ते के बाद जब हम फिर वापस आएंगे तो फिर आपकी कंटिन्यूस क्लासेस रखेंगे, फिर कुछ दिन के बाद। इस तरीके से आपकी 2-2 घंटे की क्लासेस कर दी गई हैं, 2 घंटे की क्लास कर दी गई है, जिससे कि हम अगर 5वीं क्लास लेंगे तो 10 दिन की क्लास पूरी करेंगे। 5 क्लास अगर लेते हैं तो 10 दिन क्लास पूरी करते हैं और 10 दिन में हम आपको, मतलब 5 दिन क्लास में हम चाहेंगे कि आपकी यूरोपीय कला जो है वह काफ़ी हद तक समाप्त कर दी जाए, नहीं तो हम इसके माध्यम से आपको एग्जाम तक जोड़े रहने के लिए हम कुछ ना कुछ ऑप्शन बना के रखेंगे, जिससे कि हम आप सभी को क्लास से अच्छी तरीके से एग्जाम तक जोड़े रखें। अजय कुमार जी के सर जी टाइमिंग चेंज करिए। अजय कुमार जी, इस समय सभी एग्जाम लगे हुए, सारे विषयों के एग्जाम लगे हैं, जिनके शेड्यूल जहां पे है एकदम शेड्यूल फिक्स है, सभी के शेड्यूल बिल्कुल फिक्स हैं। और जब शेड्यूल फिक्स है किसी को इधर उधर किया नहीं जा सकता। आप समझ लीजिए मॉर्निंग में 7 बजे से हमारी स्टूडियो स्टार्ट हो जाती है क्लासेस और रात की 10 बजे 11 बजे तक क्लासेस चलती हैं। 2-2 3-3 शिफ्ट में लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो टाइमिंग जहाँ पे है आप मान के चलिए कि टाइमिंग वही बनी रहेगी, क्योंकि टाइम इधर उधर करना थोड़ा सा हम वो नहीं समझ पा रहे कि हो सकता है ऐसा। बहरहाल हम कोशिश करेंगे, देखेंगे एक बार। चलिए, हमारे साथ और जुड़ चुके हैं राजधर पाल जी, ब्रजेश यादव जी, गुडलुक जी, सुधा यादव जी, फन जी, विनीता वर्मा जी, दीनबंधु जी, अजय कुमार जी। रीना सजन कहना है जी सर आपको अपनी ड्यूटी भी करनी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, हम सभी आपके प्रॉब्लम समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं रीना जी आपकी तरीके से हमारे जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं, सब समझदार हैं,
और हम भी आपको समझते हैं, आपकी समस्याओं को समझते हैं, इसलिए हमने क्लास की टाइमिंग बढ़ा दी, इसलिए हमने क्लास की अपनी टाइमिंग बढ़ा दी, 2 घंटे की कर दी है। अर्थात जो आपको 1-1 घंटे हम 30 दिन में पढ़ाते, वही क्लास हम 15 दिन में 2-2 घंटे करके फिनिश करेंगे। और आपको ये पता है कि हम आपको कोर्स को पूरा कराने के लिए कितना सतर्क रहते हैं, जब भी हमको थोड़ा सा मौका मिलता है हम आपकी क्लास कर लेते हैं, है ना। आप इसके बिल्कुल चिंता ना करिएगा, आपको पूरा कराया जाएगा और सारी चीज़ आपको बताएंगे, सब कुछ जोड़ेंगे, बिना जोड़े आपको एग्ज़ाम तक नहीं जाने देंगे। ओके, चलिए आज हम आप सभी को लेकर चलते हैं कि कृष्ण जी कहें, ये तो अच्छा हुआ कि कोरोना आ गया जिससे आप हमें पढ़ाने आए, नहीं तो इस सिचुएशन पंक्चुअल क्लास कहाँ ले पाते। कुसुम जी, और 1-1.5 महीने वैसे भी छुट्टी होती है। हाँ, एक चीज़ और कि कल से आपकी जो क्लास होगी, हाँ, 2 घंटे की और 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपकी क्लास बढ़ाई गई, क्योंकि भाई अगर हम 1 हफ्ते नहीं रहेंगे तो वो चीज़ हम आपको पूरा करेंगे, है ना। तो 2 घंटे हो जाएगी, तो जो चीज़ आपको 3 महीने में 1 महीने में पूरी 30 क्लास मिलती, वो चीज़ आपको 15 दिन में देंगे। लेकिन ऐसा मत मानिएगा कि हम ये इस उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी भी थोड़ी समस्याएं हैं और आपकी भी थोड़ी समस्याएं हैं कि अगर हम 1 हफ्ते क्लास छोड़ेंगे तो जितनी क्लास आपकी पुरानी उसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, और आपको ऐसा ना लगे कि हम या हमारा पूरा पात्र परिवार आपको गलत गुमराह किया गया या ऐसा या वैसा। कोर्स पूरा कराना मेरी गारंटी है, समय देना मेरी गारंटी है, है ना। इसके लिए हमने टाइमिंग आपकी फिक्स की, 2 घंटे क्लास आपकी बढ़ा दी गई है, और कल से आपकी क्लास 9 बजे से लेकर 11 बजे की होगी। 9 से 11 बजे कल से आपकी क्लास होगी, ठीक है। चलिए, अर्चना प्रजापति कहना कि सर टेस्ट कब होगा? टेस्ट भी होगा, है ना, टेस्ट होगा। इस शनिवार को नहीं हो पाया तो बीच में हम किसी दिन टेस्ट भी उसी में रख देंगे। नीरज जी, इसी टाइम AM 9 AM से लेकर 11 AM 2 घंटे, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 11 बजे की आपकी क्लास होगी, 2 घंटे की क्लासेज आपकी होंगी। सोनी यादव जी कहना सर किसी का वीडियो चल रहा है का? जी, यहाँ पे 2 स्टूडियो हमारे पास है, एक स्टूडियो में दूसरी क्लास चल रही है ना, एक स्टूडियो में हमारी क्लास चल रही है। चलिए, उमा शंकर कहना है कि आई बिलीव यू सर। जी धन्यवाद, बिल्कुल। पूजा शुक्ला भी जुड़ चुकी हैं, गुड मॉर्निंग जी। आशुतोष यादव जी, सर आपकी नोट्स मिल सकती है क्या? आशुतोष जी, हमारी बुक आने वाली है, आप बुक को ले लीजिएगा, और बुक के माध्यम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा कलेक्शन हमने किया है एग्जाम के प्रदेश से, आपको विद्वान बनाने के लिए नहीं बल्कि आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए एक अच्छी सी बुक और कम समय में पढ़ी जाने वाली बुक हमने रेडी किया है, कम समय में पढ़ी जाने वाली और अच्छी बुक हमने क्रिएट किया है। बस आपको 30 तारीख के बाद से मिलना शुरू हो जाएगी, है ना। देखिए नीरज जी, आप अमेजन से मंगवा लीजिए, अमेजन से अगर आपको नहीं मिलती है आप हमें बताइएगा, जितना समय आपको अमेजन वहाँ सेंड करने में देगा उतने ही समय में आपको हम सेंड करवा देंगे। आप हमारे नंबर पर क्या करिएगा, फोन पे पेमेंट करिएगा या अकाउंट नंबर हम बता देंगे उस पे पेमेंट करिएगा, और मोबाइल नंबर हमारा जैसे ग्रुप में है, ग्रुप में सबके पास है ही, तो आप लोग उस नंबर पर फोन हमारा फ़ोनपे चलता है, उस फोन पे आप लोग पेमेंट करिएगा, पेमेंट करने के बाद शार्ट स्क्रीन लीजिएगा, हमें सेंड करिएगा, फिर वो चीज़ आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज आपको जोड़ते हैं हम पाश्चात्य कला से।
देखिए पाश्चात्य के अंदर हम यूरोपीय कला या यूरोपीय कला का अध्ययन करते हैं, और जैसा कि आपको ये चीज हम बता देना चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व में अगर कलाओं की खोज सबसे पहले हुई, हमने अभी तक देखा कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल चित्रों की खोज की गई थी, लेकिन यह भारत में की गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले कलाओं की खोज कहाँ की गई, एशिया में की गई, मध्य एशिया में की गई, ठीक है, यूरोप में की गई या अफ्रीका में की गई, तो कहाँ की गई, तो अफ्रीकी देशों में सबसे पहले आपके प्रागैतिहासिक कालीन या ह्यूमयुगीन कला के साक्ष्यों की खोज विद्वानों के द्वारा की गई थी। और जैसा कि हम टेस्ट में इसके प्रश्न को दे चुके हैं कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक कालीन या ह्यूमयुगीन कलाओं की खोज कहाँ पर की गई या चित्रकला की खोज कहाँ की गई और उसके सबसे प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से पाए जाती हैं, तो एक चीज का नाम आपने सुना होगा, पेपर में टेस्ट पेपर में दे चुके हैं हम, अल्टामीरा की गुफा जो यूरोप में है, यहाँ पर सबसे पहले प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज की गई थी। और इन चित्रों की या इन ह्यूमयुगीन चित्रों की खोज सबसे पहले एक 12 वर्षीय कन्या जिसका नाम था मारिया सातुओला, ठीक है, मारिया सातुओला नामक 12 वर्षीय कन्या ने एक समय अपने पिताजी के साथ भ्रमण करने गई थी और वहां पर एक गुफा में जब अंदर प्रवेश किया, उसे छत पर बने छोटे छोटे चित्र दिखाई दिए या बड़े छोटे और बड़े चित्र दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वह परेशान रह गई और उसने अपने पिताजी को बुलाया और बुलाने के बाद दिखाया कि पापा आइए और देखिए ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। ते उसने एक उसका नाम दे दिया एरूफ ऑफ हाल, ग्रेट हाल, जहाँ पर बहुत सारी चित्रों के साथ छपाए गए थे। और इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में पहली बार प्रागैतिहासिक कालीन या ह्यूमयुगीन कलाओं के साथ आपके यूरोप के स्पेन में स्थित अल्टामीरा की गुफा में हुआ था की गई थी। तो सबसे प्राचीनतम चित्रकला का जो केंद्र है वह हमारा क्या माना गया है, सॉरी सबसे पहले चित्रों की खोज कहाँ पे हुई, तो ये स्पेन, लेकिन सबसे प्राचीन चित्र कहाँ पाए गए, तो फ्रांस में सबसे प्राचीन काल के चित्रों की खोज विद्वानों के द्वारा की गई है। और बताया गया है कि फ्रांस में स्थित कई प्रसिद्ध गुफाएं हैं जहां पर हिमयुगीन सबसे प्राचीन चित्रों के साथ छिपाए गए हैं, लेकिन इन चित्रों की खोज सबसे पहले अल्टामीरा की गुफा में प्राप्त होते हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो ये प्रागैतिहासिक कालीन कला स्थल या गुफाएं जो यूरोप के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं, ये कहाँ पे हैं, इनके साक्ष्य कब और कैसे खोजे गए, वहां से क्या क्या पाया गया, वहां पर स्थित प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी हैं, उन गुफाओं के विषय क्या हुआ करते थे, उनमें अधिकांश किन रंगों का प्रयोग किया गया है, इन सभी का अध्ययन हम यूरोपीय कला में या पाश्चात्य कला में हिमयुगीन या हिमयुग के अंतर्गत किया करते हैं। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे आगे चलकर कुछ विश्व स्तर की प्राचीन सभ्यताएं, और वह विश्व स्तर की प्राचीन सभ्यताओं में जैसे हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता, फिर हम पढ़ेंगे चीन की सभ्यता, हम पढ़ेंगे भारत की सभ्यता, हम पढ़ेंगे यूरोप की सभ्यता, इटली की सभ्यता, इस तरीके से हम कुछ प्राचीन सभ्यताओं के बारे में भी पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, जबकि हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। आगे चलेंगे फिर हम रोम की कला, रोम की राजधानी इटली चलेंगे, इटली की कला देखेंगे, फ्रांस की कला को देखेंगे, ब्रिटेन की कला को देखेंगे, अफ्रीका की कला को देखेंगे, फ्रांस की कला को देखेंगे, इनको देखते हुए मध्यकाल में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आधुनिक कलावादों का जन्म होता है, जो हमारे आधुनिक कला का प्रारंभ है। जैसे हम अपने भारत में हमने पढ़ा कि आधुनिक कला का जो प्रारंभ होता है वह बंगाल स्कूल से होता है, बंगाल शैली के कलाकारों ने सबसे पहले भारत में आधुनिक कला का प्रारंभ किया था और भारतीय आधुनिक कला का जन्मदाता
अवनींद्रनाथ टैगोर को माना गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर जिन्होंने कलकत्ता कला महाविद्यालय से यूरोपीय चित्रण विधि में कला की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत में अपने मध्यकाल में प्रचलित जल रंग की एक अलग से वास्तु चित्र पद्धति का प्रारंभ करके भारतीय आधुनिक कला को प्रारंभ किया था। उन्हें ही भारतीय आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है। उन्हीं के द्वारा प्रचलित कलाओं का विकास भारत में स्थापित प्रसिद्ध कला विद्यालयों में उन्हीं के शिष्यों के द्वारा किया गया था। वहीं से हमारी भारतीय आधुनिक कला का सूत्रपात विकास होना प्रारंभ हो जाता है। जबकि इस आधुनिक कला का सूत्रपात करता हम आपको बता रहे कि राजा रवि वर्मा को माना गया है। लेकिन यूरोप में हमारे संपूर्ण विश्व की आप कह सकते हैं कि यूरोपीय आधुनिक कला का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आधुनिक यूरोपीय कला का जन्मदाता हम लोग पाल सेजान को मानते हैं। पाल सेजान जो पहले तो प्रभाववाद में चित्रों की रचना किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक अपना अलग से उत्तर प्रभाववाद नामक कला आंदोलन को प्रारंभ किया था। और ये जो उत्तर प्रभाववाद है ये कोई विशेष कला आंदोलन नहीं था, बल्कि प्रभाववाद के बाद के कलाकारों ने एक नवीन विधा में चित्रों की रचना प्रारंभ किया था, जिसे हम लोग यूरोपीय कला में उत्तर प्रभाववाद के नाम से जानते हैं। और इसका जन्मदाता आपको पाल सेजान को माना गया है। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे अन्य में, तो अति यथार्थवाद, अभिरंजनावाद, ठीक है, इन कलाओं का, इन वादों का भी अध्ययन हम करेंगे। हम चाहते थे एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि हमको इस पाश्चात्य कला के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या चीज है। सपोज करिए कि हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं कि समय कम नहीं है, बल्कि समय इतना है कि हमको बिल्कुल सभी को बांट बांट कर पढ़ना है, सभी को एक स्थापित करके पढ़ना है। हम आपको सबसे पहले उन चीजों से परिचय करा देना चाहते हैं जिनको आपको यूरोपीय कला में मुख्य रूप से पढ़ना है, जहां से आपके एग्जाम में मुख्य रूप से प्रश्न आते हैं। क्योंकि आपके टीजीटी में यूरोपीय कला का सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पीजीटी भी देंगे कला से, तो पीजीटी में हमारी यूरोपीय कला का सिलेबस है, इसलिए दोनों लोगों के लिए फायदेमंद होगा। तो आप देखिए कि हमको मुख्य रूप से पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, हमको पढ़ने में पहला पॉइंट हम देखेंगे कि अफ्रीकी देशों में स्थित प्रमुख हिमयुगीन गुफाएं ठीक है, अफ्रीकी देशों में स्थित जो हमारी प्रमुख गुफाएं हैं इनको हमको देखना है। तो देखिए, फ्रेंको कैंटेब्रियाई क्षेत्र, यूरोप के फ्रेंको कैंटेब्रियाई क्षेत्र में स्थित कुछ प्रमुख गुफाएं हैं। ये गुफाएं कुछ तो हमारे फ्रांस में हैं और हमारी कुछ गुफाएं हमारे इसी आपके फ्रेंको कैंटेब्रियाई क्षेत्र की स्पेन में है। जैसे आप देखते हैं कि विंध्याचल पहाड़ी में स्थित गुफाएं हमारे मध्य प्रदेश में भी है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। तो ये एक विशाल पर्वत श्रृंखला जिसका कुछ भाग आपके स्पेन में है और कुछ भाग आपके दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में स्थित है, उन्हीं गुफाओं को मुख्य रूप से पढ़ना है। और कुछ गुफाएं हमारी जो इटली में है उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो आपके एग्जाम में जो आने वाली गुफाएं हैं उनमें सबसे पहले हमने आपको बताया कि फ्रेंको कैंटेब्रियाई क्षेत्र में स्थित प्रमुख गुफाएं, प्रमुख
गुफाएं। अब देखिए हम आपको ऐसे इसलिए लिख रहे हैं कि अफ्रीकी देशों में बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन अफ्रीकी देशों के फ्रेंको कंट्रीवाइन क्षेत्र में स्थित जो हमारी प्रमुख गुफाएं हैं उनको आपको देखना है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख गुफाएं हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर दो ऐसे देश आते हैं जहां पर स्थित प्रमुख गुफाएं हैं। पहला तो है स्पेन, स्पेन में स्थित गुफाएं, और दूसरा हमारा है फ्रांस, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस। फ्रांस में स्थित गुफाएं, यहां पे जो स्पेन में है तो यहां पे लिख लीजिएगा उत्तरी स्पेन, उत्तरी स्पेन में स्थित गुफाएं एवं दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में स्थित गुफाएं। अर्थात ये कैंटरबियन क्षेत्र है, यह एक विशाल, ठीक है, यह एक विशाल जो है आपका क्षेत्र है, ठीक है। यहां पे आपको ये देखना है और इस फ्रेंको कंट्रीवाइन क्षेत्र का जो विस्तृत क्षेत्र, वहां पे दो देशों के कुछ क्षेत्र मिलते हैं, उनमें से आपका उत्तरी स्पेन में स्थित कुछ प्रमुख गुफाएं देखनी है और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में स्थित कुछ गुफाएं देखनी है। अब इनमें से कौन कौन सी गुफाएं हैं वह चीज आपको देखनी है, तो आगे हम आपको बताते हैं कि उत्तरी फ्रांस में स्थित प्रमुख गुफाएं, यहां हेडिंग हम बना लीजिए कि उत्तरी, नहीं हाँ उत्तरी स्पेन, उत्तरी स्पेन में स्थित प्रमुख गुफाएं। देखिए हम आपको ये चीज बता रहे हैं, आप लोग अगर किताब रखे होंगे इनको आप, इसलिए हम बता दे रहे हैं जिससे कि आपको ढूंढना ना पड़े कि मुख्य रूप से क्या क्या हमको पढ़ना है। तो हम मुख्य रूप से अगर हम जितना पढ़ाए हो ठीक है, अगर आपको और गहराई से अध्ययन करना है जिन गुफाओं के बारे में, जिनके बारे में बता रहे हैं, आप लोग इनका अध्ययन तेजी के साथ करना शुरू कर देंगे। तो इनमें से सबसे पहला जो, पहली जो गुफा है वह है अल्टामीरा की गुफा। अल्टामीरा की गुफा, उसके बाद आप देखेंगे नियो गुफा, उसके बाद आप देखेंगे पिंडाल गुफा, उसके बाद आप देखेंगे कोलानाज, कोलानाज, ठीक है। कोलानाज के बाद आप देख लीजिए एक और कुआं दिल कास्टियल्लो, कुआं दिल कास्टियल्लो। मुख्य रूप से आप पांच को ही देखिए, एक दो तीन चार ये पांच, ये जो पांच गुफाएं हैं, ये जो पांच गुफाएं हैं ये आपके उत्तरी स्पेन में स्थित है। आप देखिए यही प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाता है, इसी के बारे में भी हमने टेस्ट में भी प्रश्न किया था कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज कहाँ हुई। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज कहाँ हुई थी, आपके अल्टामीरा की गुफा में। अल्टामीरा की गुफा में यहाँ पर चित्रों की खोज सबसे पहले की गई है ना। अब देखिए एक चीज ये आपको देखना है कि ये सारी की सारी गुफाएं हमारी कहाँ है, पहले भी हम लिख चुके हैं, जब भी पूछा जाए कि अल्टामीरा की गुफा कहाँ है, नियो की गुफा कहाँ है, पिंडाल की गुफा कहाँ है, कोलानाज कहाँ है, कुआं दिल कास्टियल्लो कहाँ है, जब भी इसको पूछा जाए तो आप सीधे सीधे उत्तरी स्पेन देखेंगे, उत्तरी स्पेन। ऐसे ही प्रश्न आता है, अब इसके अंदर की बातों में प्रश्न आते हैं तो हम उसको आपको बताएंगे एक एक करके, लेकिन आपको हम परिचय करा दें अभी किन किन चीजों को आपको पढ़ना है यहाँ पर, उसके बाद चलेंगे
दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस। पश्चिमी फ्रांस देखिए, अभी तक हमने फ्रैंको कैटोबियन क्षेत्र के उत्तरी फ्रांस में स्थित प्रमुख गुफाओं के बारे में बताया। अब आपका दूसरा यहां से है, आपको जो पढ़ना है मुख्य रूप से वह है उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में स्थित कुछ गुफाएं। उनमें से आप सबसे पहले देखेंगे तो लास्को की गुफा, लास्को की गुफा। उसके बाद हम आप चलेंगे फिर फांता गांव गुफा। तो यहां से पहले देखिए आप लास्को की गुफाएं या लास्को की गुफा। दूसरा देखेंगे फांत द गांव गुफा। तीसरा हम देखेंगे गर्गस, गर्गज गर्गस गर्गस की गुफा। एक चीज यहां देखिए, ये जो हम अपने अपने भारतीयों में प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जिन गुफाओं का जिक्र करते थे, ये गुफाएं हमारी उसी प्रकार की हैं। और ये जो हमारी गुफाएं हैं वह यूरोप की प्रागैतिहासिक कालीन या हिमयुगीन गुफाएं मानी जाती हैं। ये चीज आपको देखना है। फिर उसके आगे है ला कॉम्ब्रिल, उसके बाद ले ट्राइफेयर्स, ले ट्राइफेयर्स। उसके बाद पक मार्ले गुफा, पक मार्ले गुफा। ये जब भी आपके सामने आएंगी, ये सब कहां है, ये सब आपके फ्रांस में स्थित है। बाकी दक्षिण पश्चिमी फ्रांस वहां लिखा है। ये सभी गुफाएं कहां पे स्थित हैं, फ्रांस में स्थित हैं। तो ज्यादातर यही पूछा जाता है कि जी हाँ, ये तीन भाइयों की गुफा की जो चर्चा कर रहे हैं, इसे हम ले त्राय गुफा जो है, इसे हम तीन भाइयों की गुफा कहते हैं। ले कहा गया, ले त्राय फेयर्स, तीन भाइयों की गुफा। तीन भाइयों की गुफा। तो आपको देखिए इन सबसे बहुत ज्यादा, देखिए दीपक मधेसी का कहना सर सबसे प्राचीन चित्र कहाँ मिले और सबसे पहले खोजा गया चित्र है जगह देश के साथ, इस पुलिस सरकार कंफ्यूज। देखिए सबसे प्राचीन चित्र जो है वो आपके फ्रांस में, फ्रांस के हैं, लेकिन सबसे पहले जो चित्र खोजा गया वह स्पेन में खोजा गया, स्पेन में खोजा गया ऐसा विद्वानों का मानना है। लेकिन सबसे प्राचीन जहां तक चित्रों की बात आती है उसका जो राइट आंसर है वह है आपका अल्टामिरा, स्पेन का अल्टामिरा। क्योंकि भारत की अल्टामिरा जो है वह कौन सी है, भीमबेटका की गुफा। भारत में सबसे प्राचीन चित्र जो है वह भीमबेटका में पाए जाते हैं, अर्थात संपूर्ण विश्व में जो सबसे प्राचीन चित्र है वह आपके अल्टामिरा की गुफा में ही पाई जाती है। ओके चलिए, उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो दोनों जगह हैं, तो आपको देखना है कि लास्को कहाँ है, फांता गांव कहाँ है, गर्गस कहाँ है, ला कॉम्ब्रिल कहाँ है, लेता फेयर्स कहाँ है, पक मार्ले कहाँ है। ये इतनी यहां से देखनी है। उसके बाद आपको आपको ये देखना है कि इसके पहले अल्टामिरा कहाँ है, नियो कहाँ है, पिंडाल गुफा कहाँ है, कोला नाच कहाँ है और कुआदेल कास्टेलो कहाँ है। ये ऐसे ही प्रश्न जब ऊपर से पूछे जाते हैं, उसके बाद जब इससे ज्यादा चलता है तो
तो अल्टामेरा की गुफा खोज कब हुई, फ्रांस की गुफा की खोज कब हुई, किसने किया, यहाँ के प्रसिद्ध चित्र कौन है, हम इसका डिटेल्स बताएंगे तो आपको चर्चा कराएंगे। तो इसको देख लीजिए, इसको आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट आगे हम जब इसके आगे चलेंगे, चलिए उसको आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम जब और अध्ययन करेंगे तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं की, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं की हम अध्ययन करेंगे। तो कुछ विश्व की प्राचीनतम सभ्यता की जो कलाएं हैं, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं, कला हम चल देंगे दूसरा सेक्शन में यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमको देखिए विश्व में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे सभ्यताओं की कला को आपको पढ़ना नहीं है। जो मुख्य रूप से आपसे पूछा जाता है वह है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आदि। आपको इन चार सभ्यताओं के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है ना, इन सभी सभ्यताओं की कलाओं के बारे में भी आपको पढ़ना है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मिस्र की सभ्यता जो है सबसे प्राचीनतम सभ्यता है और यहां पर मुहरों का निर्माण सबसे पहले हुआ, मुहरों का निर्माण सबसे पहले हुआ और इन लोगों ने ही लेखन कला, लेखन के या पढ़ाई लिखाई के कार्य को की गणना के लिए शब्दों एवं अर्थों के निर्माण प्रक्रिया का सबसे पहला बीजारोपण किया इन्हीं के सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था, है ना। उसके बाद मिस्र की जो हमारी सभ्यता होती है इसे हम लोग समाधियों की कला बोलते हैं, समाधियों की सभ्यता बोलते हैं। और यहाँ की जो कलाएँ हैं वे मिस्र में स्थित समाधियों से ही प्राप्त होते हैं, जिसके लिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है समाधियों की कला किस सभ्यता से प्राप्त होती है, आपकी मिस्र की सभ्यता। यूनान की जो सभ्यता है, यूनान की सभ्यता में ही सबसे पहले मिट्टी के बर्तन या काले रंग के मिट्टी के बर्तन बनाने का विकास हुआ था और यहाँ पर मिट्टी बनाने की कई प्रसिद्ध शैलियाँ विकसित हुई। और यूनान एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर बड़े बड़े साहित्य सबसे पहले लिखे गए, होमर और इलियड नामक दो प्रसिद्ध यहाँ के विद्वानों ने, ठीक है, बहुत सारे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। बाद में मेगा आपके प्लेटो और आपके अरस्तु, सुकरात जैसे प्रसिद्ध ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने कई प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना करके हमारे संपूर्ण विश्व को एक नए दार्शनिक रूप में दर्शन से जोड़ने का काम किया था। तो हम यूनान की सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता हमने देखा, भारत की पहली नगरी सभ्यता, भारत की पहली नगरी सभ्यता और विद्वानों के द्वारा बताया गया थी कि भारत में पहली बार वर्तमान नगरों के जैसा भवनों का निर्माण और रहने सहने की व्यवस्था आपके सिंधु घाटी की सभ्यता में किया गया था। और तो ये हमारी चार सभ्यताएं हैं जिनको पढ़ेंगे। यह हम आपको पहले अपने भारतीय कला में पढ़ चुके हैं, यूनान, मिस्र, मेसोपोटामिया, इन तीन जगहों की कला को हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है। इनके बाद हम जब आगे चलेंगे, जब हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे प्रागैतिहासिक काल के बाद या हिमयुग के बाद एक मध्य काल आता है। जो मध्य काल आता है वहां पर भी कुछ कलाएं सबसे पहले यूरोप में ही विकसित हुई और यूरोप का असर हमारे भारत में पड़ा। फिर धीमे धीमे जब सभ्यताएं, जब संस्कृति पैदा हो गई तो हर जगह
एक समानांतर पर कुछ कलाओं का विकास होता रहा। तो यहाँ पर जब हम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले किसी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए धर्मों का विकास हुआ। जब धर्मों का विकास हुआ तो सबसे पहले यूरोप में जो धर्म विकसित हुआ उसे हम लोग ईसाई धर्म बोलते हैं। ईसाई धर्म ईसा मसीह से संबंधित है और यूरोप में ज़्यादातर ईसाई धर्म के मानने वाले हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद से यूरोप में इस ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए बड़े बड़े गिरजाघरों, बड़े बड़े भवनों या अन्य स्थानों पर इससे संबंधित लेखों को खोदा जाने लगा। इनको प्रचारित करने के लिए बड़े बड़े गिरजाघरों एवं चर्चों का निर्माण होने लगा और इन चर्चों को अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से, अलंकृत तरीके से बनाने के लिए कुछ कला शैलियों का विकास हुआ जिन्हें हम लोग बैजेंटाइन कला शैली और गोथिक कला शैली के नाम से जानते हैं। इन दोनों प्रमुख शैलियों को पढ़ना है तो दो प्रसिद्ध शैलियां, पाश्चात्य कला की दो प्रसिद्ध शैलियां, या इसको ना लिख के, हाँ, पाश्चात्य कला दो प्रमुख शैलियां जिनमें से आपको मुख्य रूप से आपको देखना है, पहला बाइजेंटाइन कला और दूसरा देखना है आपको गोथिक कला। देखिए, हम आप लोग को इनसे जोड़ रहे हैं, हम जानते हैं कि आप हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, सीधे सीधे आप वहीं पहुंचना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अगर किसी को कोई एड्रेस ना पता हो तो वो पूछ के धीमे धीमे जाएगा, समय लगता है, लेकिन अगर किसी को एड्रेस पता हो वो सीधा जाता है, डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाता है। हम आपको इनसे जोड़ इसलिए रहे हैं कि बेसिक सारी चीजें जो आपको पढ़नी है हम बता दे रहे हैं और इनके बारे में हमारी बुक में भी, अन्य बुकों में भी सारी चीज दी गई है, तो आप आसानी से वहां पहुंच के आप कर लेंगे। तो ये जो बाइजेंटाइन कला शैली है आप यहाँ पे देख लीजिए, आप जानते रहिए, यह एक मणिकुट्टम चित्रकला शैली है। ठीक है, जबकि यह आपकी एक वास्तुकला शैली, मुख्य रूप से एक वास्तुकला शैली है। यह जो बाइजेंटाइन कला शैली है इसका प्रारंभ रोम या इटली में हुआ। बाइजेंटाइन का कला का प्रारंभ जो है रोम या इटली में हुआ, जबकि आपके गोथिक कला शैली का प्रारंभ फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो बाइजेंटाइन कला शैली एक मणिकुट्टम चित्रकला शैली है जहां पर छोटे छोटे कांच, छोटे छोटे संगमरमरों के साथ साथ बाद में छोटे छोटे शीशे के टुकड़ों को जोड़कर चित्रों का निर्माण किया जाता था और इनके माध्यम से गिरजाघरों एवं भवनों को सजाने का काम किया जाता था। तो यह मुख्य रूप से एक, इतना जानते रहिए, यह एक मणिकुट्टम चित्रकला शैली है, जबकि आप यह जो है गोथिक कला शैली एक मुख्य रूप से वास्तुकला शैली है, जबकि गोथिक कला शैली का केवल इटली ही एक ऐसा मात्र केंद्र रहा है जहां पर चित्रों का भी निर्माण किया जाता था। और इस गोथिक कला शैली की जो मुख्य विशेषता है, गिरजाघरों एवं भवनों में बड़े बड़े दरवाजे, बड़ी बड़ी खिड़कियां एवं लंबी लंबी एक पतली नुकीली जो मेहराब होती है, इनका निर्माण, ये आपकी गोथिक कला शैली की मुख्य विशेषता है, इनको पढ़ना है। उसके बाद मध्यकाल में प्रचलित लघु चित्रकला शैलियां,
यूरोपी कला में या यूरोपी कला की मध्यकालीन मध्यकालीन प्रमुख लघु चित्रकला शैलियां में देखिए, इनमें मुख्य रूप से आपका हो जाएगा जैसे बारोक कला शैली, बारोक कला शैली। उसके बाद यहां पे आप देख लीजिएगा एक राकाको कला शैली, इसके बाद आप देखेंगे नवशास्त्रवादी, उसके बाद आप देखेंगे यथार्थवादी, यथार्थवादी शैली। तो ये एक दो तीन और चार मुख्य रूप से यहाँ पे ये देखना है। और आपको यह देखना है ये जो आपकी बारोक कला शैली है यह मध्यकाल एवं आधुनिक कला के बीच का सेतुबंधु शैली मानी गई है। ठीक है, यह क्या है? मध्यकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल के बीच की सेतुबंधु शैली। ठीक है, यह चीज आपको याद रखना है। बारोक शैली जो है वह मध्यकाल की भी है और मध्यकाल से मध्यकाल और आधुनिक काल, जैसे ये हमारी जो राकाको कला शैली है, ये राकाको कला शैली की हम गणना जो करते हैं वह आधुनिक कला में करती है। नवशास्त्रीवादी कला की गणना भी हम आधुनिक कला में करते हैं। यथार्थवादी कला शैली का जो अध्ययन है इसका भी हम आधुनिक कला के अंतर्गत करते हैं। इनका अध्ययन हम आधुनिक कला के अंतर्गत इसे करते हैं कि आधुनिक कला कैसे जन्मी, कैसे प्रारंभ हुई, क्यों प्रारंभ हुई, इनको जानने के लिए हमको इसके साथ साथ बारोक कला शैली के साथ साथ राकाको कला शैली, नवशास्त्रवादी कला शैली, यथार्थवादी कला शैली, एक और है आपकी रोमांसवादी कला शैली, रोमांसवादी कला शैली, इन सभी को आपको देखना है। और इन सब के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, आप किताबों में इन सब का अध्ययन देखते रहिएगा। इसके बाद हमारा शुरू होता है पाश्चात्य में आधुनिक कला या आधुनिक यूरोपीय कला, आधुनिक आधुनिक यूरोपीय कला। अब देखिए यहां पे आपको देखना है कुछ कलावादों को, जी चलिए। हाँ प्रदीप जी कहना है सर आपके न्यू बुक का क्या नाम है? प्रदीप जी हमारे न्यू बुक का नाम है कला ग्रंथ एक समग्र अध्ययन, कला ग्रंथ एक समग्र अध्ययन। और इस बुक को हमने 5 भागों में विभाजित किया है। जैसे हम लोग अपने कला में, रुक जाइए मैं अभी, हमारे पास अगर टाइम होगा तो हम आपको बताते, पहले हम उसके बारे में चर्चा करते फिर लास्ट में आपको बुक के बारे में बताते। आधुनिक में हम जब चलेंगे तो आधुनिक में हमारा आधुनिक कला की जो शुरुआत होता है कलावादों से होता है, कलावादों से होता है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे
कि जो हमारे कलावाद हैं कौन कौन से कलावादों को हमको पढ़ना है, ये चीज हमको देखना है। तो यहाँ हम कलावादों से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर प्रभाववाद, उसके बाद हम देखेंगे नौ प्रभाववाद, फिर हम देखेंगे उत्तर प्रभाववाद, उसके बाद हम देखेंगे घनवाद, फिर हम देखेंगे फाववाद, उसके बाद हम देखेंगे अभिव्यंजनावाद, उसके बाद हम देखेंगे अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, फिर उसके बाद दो पॉइंट अन्य हम देखेंगे इनके अलावा, वो है पाप कला और आप कला। ये हमारी नेक्स्ट अलग से टॉपिक है उस, तो इनको हमको देखना है। तो मुख्य रूप से जो हमारे वाद हैं, एक दो तीन चार पांच छः और सात, इतना हमको देखना है। और इनको देखने के बाद ये हमारे जो प्रमुख वाद हैं, इन्हीं से आपसे प्रश्न यहाँ से और जो आपको बताया गया वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन गलती हो गई, एक जगह हम बीच में छोड़ दिए हैं, एक जगह बीच में छूट गया है। चलिए ये माइंड मत करिएगा, हम इसके पहले हम इसको बता दे रहे हैं और इनको पढ़ना है। तो इसमें देखिए कि आपको इन सभी का जो जन्म हुआ है ये फ्रांस अर्थात आधुनिक यूरोपीय आधुनिक कला का जन्म स्थान क्या है, या आधुनिक कलावादों का जन्म स्थान क्या है, तो फ्रांस, क्योंकि यूरोप का पहला जो कलावाद है वह आपका है प्रभाववाद, प्रथम कलावाद। ठीक है, तो कलावादों का जन्म स्थान जो हो गया वह क्या है, फ्रांस, अर्थात प्रभाववाद प्रथम कलावाद है यूरोप का, तो इसका जन्म स्थान क्या, फ्रांस, ये देखना है। फिर इसी का नेक्स्ट रूप नव प्रभाववाद, फिर इन दोनों के बाद का उत्तर प्रभाववाद, ये घनवाद, इसका जो प्रारंभ हुआ वह हुआ था स्पेन। ठीक है, फिर फाववाद भी आपके कहां पे हुआ, फ्रांस। उसके बाद आपका ये जो अभिव्यंजनावाद है यह है जर्मनी। ये हमारा जो है इसका जो जन्म होता है वह होता है ज्यूरिख। ठीक है, इन सभी को हमको आपको जोड़ना है और इन सभी के प्रमुख कलाकारों को हमको पढ़ना है। ये हम आधुनिक कला के अंतर्गत करते हैं, लेकिन इनके पहले जो आपके एग्जाम में टीजीटी में विशेष तौर पर जो पूछे जाते हैं, हो सकता है इनसे प्रश्न ना पूछे जाए, इनसे भी या इसके पहले के जो भी टॉपिक बताई गई है इनसे हो सकता है प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। मान लीजिए इनको छोड़ भी दिया जाए, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में विदाउट सिलेबस के पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, वह है पुनरुत्थान काल। पुनरुत्थान काल की कला या जागरण काल की कला, ठीक है, पुनरुत्थान काल या जागरण काल की कला, तो इसका जो यूरोपीय कला का जो पुनरुत्थान होता है माना गया है, वह माना गया है इटली। ठीक है, और इस जागरण काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है यहां पर निम्न जागरण काल, दूसरा यहां पे है उच्च जागरण काल।
उच्च जागरण काल, अर्थात जब हमारी मध्यकालीन कला शैलियां मूर्तिकला और वास्तुकला से ऊपर उठती हैं तो लघु चित्रों या छाया छापा चित्रों का निर्माण भी प्रारंभ होता है। और इस प्रकार की जब चित्रों का निर्माण प्रारंभ होता है तो सबसे पहले इटली, यूरोप के इटली में एक अलग प्रकार की कला का उत्थान होता है और वहाँ के दो तीन कलाकारों जिनमें से नाम है यहाँ के उच्च जागरण कलाकारों में जिनकी गणना की जाती है, उनका नाम है आपका लियोनार्दो दा विंची, लियोनार्दो दा विंची। उसके बाद माइकल एजेलो तीसरा है रॉफिल। ये तीनों कलाकार आपके कहां के हैं? इटली के हैं और तीनों का जन्म इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, ठीक है। तो और इटली के फ्लोरेंस के विभिन्न स्थानों पर इनका जन्म हुआ था। ये तीन ऐसे कलाकार हैं कि जिनकी कृतियां आप अच्छी तरीके से कुछ कृतियों को जानते होंगे, जैसे लियोनार्दो दा विंची का विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा, जिसे हम लोग इंडियन मोनालिसा के नाम जानते हैं। आपको देखना है कि ये लियोनार्दो दा विंची कहाँ के थे, इटली के थे, इटली के फ्लोरेंस के थे और पुनरुत्थान काल या जागरण काल के उच्च जागरण काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। लेकिन इनके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि निम्न जागरण काल के कलाकारों में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मसाचियो, डोनाटेल्लो, सांडो बोटिचेली। देखिए आपको हमने आपको बताया कि संत कलाकार, भारत का संत कलाकार कौन है जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग, भारत का संत कलाकार कौन सा है? जल्दी से बताइए आप लोग, वैशाली राजपूत जी फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको सिर्फ सिलेबस बता रहे हैं, जो चीज हम आपको पढ़ाना है, जो चीज से आपको हमको जोड़ना है वह चीज बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज हम आपको बता दे रहे हैं तो आपको समझ में आएगा ना कि हाँ ये चीज ऐसा होता है, फिर हम इसका डिटेल्स आपको देंगे। ये केवल एक आपको हम समरी पूरा सिलेबस से जोड़ रहे हैं कि जैसे आप लोग यूरोपीय कला में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम वो चीज बता रहे हैं क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसके लिए अभी आपको हम जोड़ रहे हैं। तो देखिए सभी का छितिंद्रा मजूमदार नाम आ रहा है कि भारत का संत कलाकार, उसी तरीके से यूरोपीय कला में फ्रांजिल्को नामक ये जो कलाकार हैं इनको हम यूरोप का संत कलाकार की संज्ञा इनको प्रदान की गई है, ठीक है। यूरोप का संत कलाकार फ्रांजिल्को को प्रदान किया गया है जो जागरण काल या पुनरुत्थान काल के निम्न जागरण काल के कलाकार माने जाते हैं। अर्थात आपको यह देखना है कि पुनरुत्थान काल या इटली में जो कलाओं का पुनरुत्थान हुआ उसको दो भागों में किया गया है, निम्न जागरण काल या उच्च जागरण काल, लो रिनेसा और ये हाई रिनेसा। ये सभी कलाकार जो हैं ये निम्न जागरण काल के हैं या लो रिनेसा काल के हैं, जबकि ये तीन जो प्रसिद्ध कलाकार हैं यह आपके उच्च जागरण काल या हाई रिनेसा के कलाकार हैं। और ये तीन कलाकार ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न लेकर हर समय रेडी रहते हैं, मुख्य रूप से बिना सिलेबस के इन्हीं तीनों कलाकारों से ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपके पीजीटी में प्रश्न पूछे जाएंगे तो ज्यादातर लियोनार्दो दा विंची, माइकल जेल्लो, रॉफिन, ये तीन ऐसे कलाकार हैं जो ज्यादातर पूछे जाएंगे। और इन्हीं के साथ साथ अल्टामिरा आपके जो फ्रांस और स्पेन की जो गुफाएं हमने बताई उनको लेने के बाद इन तीनों कलाकारों के से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो हमारा टाइम समाप्त होने वाला है। हम इनका जिक्र कल से जितना चीज हमने आपको बताया, जो चीज आपके बोर्ड बताई गई है, इन पूरे चीजों को आपको पढ़ना है। और जो भी नए हमारे प्रतियोगी हैं, मुख्य रूप से लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल, इन तीनों कलाकारों के बारे में यूरोपीय कला में इनको जरूर पढ़ लीजिए और सबको पढ़िए चाहे ना पढ़िए। इनको आप पढ़ लेंगे 9-10 प्रश्न अगर यूरोप से आता है तो इनसे जरूर आपके 6-7 प्रश्न उसमें से रहेंगे, है ना। तो हम इनका कल से क्रमशः धीमे धीमे करके आपको इन्हीं सारी चीज़ों से जोड़ेंगे। और आप लोग क्या करिएगा, इन्हीं सारी चीज़ों को, जितने पॉइंट को हमने आज बताया, उन सभी पॉइंटों को आप किताब या नेट या हमारे माध्यम से आप लोग अच्छी तरीके से अध्ययन यूरोपीय कला में करेंगे। और हम किताब के बारे में बता देना चाहते हैं, हमारी जो किताब है वो, उसका नाम है कला ग्रंथ एक समग्र अध्ययन। उसमें थियरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए गए हैं, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए गए हैं। और साथ ही साथ एक उसी नाम की कला ग्रंथ एक समग्र अध्ययन की बुक पुस्तक है, जो इसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अर्थात वह एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट दी गई हैं 125 का। उनमें से कुछ प्रश्न आए हुए, लेकिन हमने नए नए प्रश्न क्रिएट किए हैं जिससे कि आपके दिमाग में ऐसे भी आए कि इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, और जो आने वाले एग्जाम्स में हैं उस तरीके का प्रश्न हमने बना के रखा है। और इस पुस्तक को मैंने 5 भागों में विभाजित किया है, 5 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग हमारा है कला का इतिहास, दूसरा भाग है मध्यकालीन कला शैलियाँ, तीसरा भाग है हमारा, तीसरा खंड हमारा है आधुनिक कलाकार, चौथा खंड है हमारा कला का तत्व, और नहीं चौथा तत्व खंड हमारा है यूरोपीय कला या पाश्चात्य कला, और पांचवा खंड हमारा है कला के तत्व। कला के तत्व में हमने रंग जो हमारी चित्रकला के 6 अंग हैं, जो 6 तत्व हैं, इनका वर्णन किया है। और इसके साथ साथ हमने लगभग 75 कुछ ऐसे कला शब्दावलियों का जिक्र किया है में, जो आपके एग्जाम में आते हैं आप लोग समझ नहीं पाते। जैसे आपसे पूछ लिया जाए इंटीग्लियो क्या है, ग्वास क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, तो आप जानते ही नहीं है। ऐसे इस प्रकार के लगभग 70-75 शब्दावलियों का भी हमने जिक्र किया है। साथ ही साथ अपने इस पुस्तक में कुछ प्रमुख पुस्तकों का नाम हमने दिया, 30-35 पुस्तकों का नाम दिया है, उनके लेखकों के बारे में लिखा है, कुछ प्रतीक चिन्हों को दिया है जो प्रतीकात्मक रूप से चर्चा करते हैं उनके बारे में भी हमने दिया है। तो इस प्रकार से हमने एक अच्छा कलेक्शन आप लोग के सामने प्रस्तुत किया है। हमारा समय समाप्त हो रहा है, ठीक है, कल हम आप सभी लोगों से एक बार फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे तैयारी करें, टाइम बहुत कम है। कुमकुम गंगावाल जी, टाइम कम नहीं है। बबीता सिंह जी, कला का जो पेपर होता है वह कोई जीएस का पेपर नहीं होता, उसमें करंट नहीं आते, उसमें करंट नहीं आता कि आपको करंट पढ़ना है। जीएस का पेपर आप देने जा रहे हो, आपको सिलेबस पढ़ना है। करंट का मतलब यही, कुछ जो फिल्में आई हैं उनके डायरेक्टर वगैरह देख लीजिए, कुछ कलाकार मरे हैं उनको आप देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह उनके देख लीजिए, बस यही नए हैं, बाकी सारे पुराने हैं। तो चलिए कल आपसे हम फिर मिलते हैं, कल तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार। कल से, कल में 9 से 11।